आप नमो कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे, दो दिन का मेहमान अरे कितने हैं अरमान तेरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे, एक ना एक दिन जाना है, क्यों इससे अनजाना है, एक ना एक दिन जाना है, क्यों इससे अनजाना है, दुनियादारी है हो दुनियादारी है, दुनिया भटकाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, दो दिन का मेहमान अरे कितने अरमान तेरे, दो दिन का मेहमान अरे कितने अरमान तेरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान अरे, क्यों बनता नादान, हम सत्य का अनुभव करने के लिए चले हैं। ध्यान रहे, अगर हमारे अंदर किसी भी तरह का राग द्वेष पाया जाएगा, हम सत्य का कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। हम कितने भी बड़े संत क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी माने हुए संत क्यों ना हो जाएं, तुम्हारी यश कीर्ति दुनिया में दिग्दिगंत फैल रही हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सत्य वही अनुभव करता है जो व्यक्ति अंदर के सारी कसाईयों को बाहर कर देता है, सारे राग द्वेषों को, सारी इच्छाओं को बाहर निकाल करके फेंक देता है, सत्य उसी को प्रकट होता है। ध्यान रहे, अगर भगवान भी सामने आ जाए तो सत्य कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता, और सत्य सामने आ जाए तो उसे भगवान कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है, ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम निर्मल स्वरूप आत्मा का जब हो, जब हमारी आत्मा में किसी भी तरह का कोई कचरा का एक टुकड़ा भी ना हो, पानी में जरा सी भी गंदगी नहीं हो, फिर पानी में देखो कुछ भी डालो, पानी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर पानी गंदा हो तो तुम जरा सी भी चीज डालो, तुम हीरा भी डालो तो भी दिखाई नहीं देगा, तुम एक रुपए का सिक्का भी डालो वो भी दिखाई नहीं देगा। पानी में तभी सब चीज दिखाई देती है जब पानी में कोई भी कचरा नहीं होता। आत्मा में तभी सारी दुनिया दिखाई देती है जब आत्मा के अंदर कोई राग द्वेष मोह नहीं होता। सत्य वही बोल सकता है जिसके अंदर कोई राग द्वेष ना हो, जिसके अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम, अपने परिवार के प्रति प्रेम, अपने घर द्वार के प्रति प्रेम, अपने व्यापार के प्रति प्रेम, ऐसे व्यक्ति सत्य बोलते ही कहाँ है, ये सत्यवादी होते ही कहाँ है। इसलिए सत्य कौन बोल सकता है, जो व्यक्ति संत होता है सत्य वही हासिल कर सकता है, वही बोल सकता है। सत्य बोलना अलग बात है, लेकिन सत्य को हासिल करना अलग बात है। इसलिए सत्य को हासिल करना ही सबसे बड़ा प्रोसेस है, और सत्य को पाने का मतलब है भगवान को अपने हृदय में समा लेना, और भगवान को अपने हृदय में पाने का मतलब है कि सब कुछ हटा देना, वरना भगवान इतना 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 सुपर पर्सन है, इतना सुपीरियर पर्सन है, जो व्यक्ति ऐसे ही हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करता है। जब हमारा हृदय बिल्कुल क्लीन हो जाता है तब कहीं जा करके वो हृदय में आ करके विराजित होता है, उसमें भी कितनी शर्त लगा देता है, वो आता है तो दुनिया को मिटा देता है, वो आता है तो दुनिया को मिटा देता है, वो आता है तो दुनिया को दिखा देता है, वो आता है तो सब कुछ बता देता है, और वो आता है
तो कुछ भी तेरे अंदर जानने से शेष नहीं रह जाता है, इसलिए उसे ही बुलाने का प्रयास करें। कहते हैं भगवान का नाम लेने से सत्य हासिल हो जाता है, ध्यान रहे भगवान का नाम लेने से अगर सत्य हासिल हो जाता तो बताइए भगवान का नाम कितने लोग लेते हैं, सारी दुनिया भगवान का नाम लेती है, लेकिन सत्य क्या है इससे कोई भी अनुभवी नहीं है, कोई भी इसका अनुभव नहीं कर पाते, नाम तो दुनिया लेती। लोग कहते भी है राम नाम सत्य है, कहते हैं सारी दुनिया कहती है, और आश्चर्य तो ये है ये आदमी को तब सुनाया जाता है जब आदमी बेवकूफ मर जाता है, तब सुनाते हैं और उसको सुनाते हैं। अब पता नहीं वे लोग उसे सुनाते हैं या दुनिया को सुनाते हैं, सुनाते तो वे ही हैं जो साथ में जाते हैं, वो तो सुनता है, अब वो क्या सुनेगा, वो तो मरा मराया है। मरे मराए को ले जाते समय लोग चिल्लाते हैं राम नाम सत्य, पता नहीं क्यों चिल्लाते हैं, आप विचार करिए राम नाम सत्य है लोग चिल्लाते हैं। ध्यान रहे अगर कोई घर में कोई व्यक्ति मर जाता है और उसे ले जाया जाता है तो सुनाया जाता है राम नाम सत्य है, वो इसलिए सुनाया जाता है वो उस मरे मराए व्यक्ति को नहीं सुना रहे हैं, ये जितने साथ में जिंदा चल रहे हैं इनको सुनाया जा रहा है, और जो जितने देख रहे हैं उनको सुनाया जा रहा है, वो इसलिए सुनाया जा रहा है ये बेवकूफ जो मरा है ना इसने ये जाना ही नहीं कि राम नाम सत्य है, ये जानता रहा घर नाम सत्य है, ये जानता रहा पत्नी नाम सत्य है, ये जानता रहा परिवार सत्य है, ये जानता रहा धन सत्य है, अब मर गया सत्य का अनुभव नहीं कर गया, बेवकूफ वैसा ही मर गया, अब क्या करें, अब मर तो गया ही है, अब ये दुनिया को सुनाया जा रहा है देख इसने राम का नाम सत्य नहीं माना था, इसलिए आज जब ये जा रहा है तो ये सुनाया जा रहा है कि राम का नाम ही सत्य है, कोई सत्य नहीं है, ये तूने ये दुनिया में सामान इकट्ठे किए हैं ये सब असत्य थे, अब फिर भी तू इसे सत्य मानता रहा, इसलिए तुझे मरते वक्त ये दुनिया ये बता रही है ये बेवकूफ था मरा तब तक ये नहीं जाना इसने कि राम नाम सत्य है, आत्मा ही सत्य थी, राम भी कोई रामचंद्र जी का नाम नहीं है, नहीं तो तुम सोचो कि रामचंद्र का नाम राम है वे राम ही सत्य थे, नहीं नहीं राम नाम वाला राम नहीं है, ये तो डिग्री वाला राम है, आत्मा का नाम राम है। तो कहते हैं आत्मा से सत्य हमसे सत्य, और आत्मा कौन है, हम है, हमसे सत्य दुनिया में कोई नहीं है, हम ही सबसे बड़े सत्य है और हम ही सबसे बड़े असत्य में घूम रहे हैं, क्या बेवकूफी है, बस यही तो जैन आगम कहा करता है, जैन संत ये कहता है कि तू अपनी आत्मा का अनुभव कर, तू अपनी आत्मा में रह, तू अपनी आत्मा में रहेगा तुझे सत्य अनुभव होगा, ईश्वर क्या चीज है तुझे खुद ही नजर आ जाएगा, अरे तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तभी ये कहा जाता है कि ईश्वर को मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को गुरुद्वारे में, ईश्वर को काबा में ढूंढने की जरूरत नहीं है, अरे ईश्वर तो हमारे अंदर है, बस अंदर का कचरा बाहर निकाल करके अंदर आत्म तत्व को देखना है, और अगर आत्मा दिखाई देती है तो सत्य ही नजर आता है। जब ले जाया जा रहा था मरघट तो मरघट तक लोग सुनाते गए कि राम नाम सत्य है, इसलिए सुना रहे थे, सबको सुना रहे थे कि तुमने भी अगर अपने घर को त्याग न करके आत्मा को सत्य स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें भी मरते वक्त ये कहा जाएगा राम नाम सत्य है। इस दुष्ट ने राम के नाम को सत्य नहीं माना, और जो संत समाधि मरण किया करते हैं राम अपनी आत्मा को ही सत्य स्वीकार करते हैं, सब कुछ त्याग करके अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं और समाधि से मरण करते हैं, उन साधुओं को जब अंतिम सब यात्रा में ले जाया जाता है, ध्यान रहे एक भी आदमी ये नहीं कहता कि राम नाम सत्य, किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनके सामने क्या कहें जिन्होंने आत्मा को ही सत्य स्वीकार करके सब कुछ त्याग किया कर दिया था, हम उनके सामने कैसे कह सकते हैं कि राम नाम सत्य है, वे हमें बताते हैं बेटा आत्मा ही सत्य है, ये सब असत्य है,
जब संत का डोल जाता है, संत की अंतिम यात्रा जाती है, तो संत अंतिम समय में भी संदेश देता हुआ जाता है। और जब कोई ग्रस्त घर में मरता है तो अंत समय में भी वो पाप का ही संदेश दे करके जाता है। तो इसलिए राम नाम सत्य है, माने आत्मा ही सत्य है, इसके अलावा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। हमने जो दुनिया को सत्य मान रखा है, ये मेरा भ्रम है, और हम उस भ्रम में जीते चले जा रहे हैं, और हम भ्रम को ही सत्य मानते चले जा रहे हैं। आश्चर्य ये है कि मेरे सामने गधे की जगह घोड़ा खड़ा हुआ है, हम फिर भी गधे को ही घोड़ा समझ रहे हैं। मुझे याद आता है व्यक्ति का एक घोड़ा गधा खो गया, गधा खो नहीं गया, वो गधा था, अंधेरे में गधा दिखाई नहीं दिया, और व्यक्ति घूमता हुआ गधे के पास चला गया। गधे ने जोर से लात मारी उस व्यक्ति को, और जोर से लात मार करके गधा भाग गया। गधा भागते भागते जब जंगल में पहुंच गया, लेकिन वो व्यक्ति ने गधे को छोड़ा नहीं, वो भी पीछे भागा मारने के लिए। अगर इसने मुझे लात मारी क्यों, और मारी है तो मैं इसकी पिटाई करके ही मारूंगा। वो उसके पीछे पीछे भागा। जंगल में भागते भागते थोड़ा अंधेरा हो गया, तो गधा तो इधर उधर भाग गया, नहीं पता चल पाया कि गधा किधर भाग गया, लेकिन जेबरा मिल गया। तो जेबरा जैसे ही मिला, और जेबरा मिला तो उसने टॉर्च लगा करके देखा, तो सामने जेबरा दिखाई दिया, तो उसने जेबरा को ही डंडे मारना प्रारंभ किए। बोला, मुझे बेवकूफ समझता है, नाइट सूट पहन करके घूमने आ गया, मुझे बेवकूफ समझता है, नाइट सूट पहन के मुझे उल्लू बना लेगा। और उसने जेबरा की ठोकाई लगा दी, और कह रहा था कि तू ही गधा है। अब पता नहीं, वो गधा तो था नहीं, लेकिन वो जरूर गधा था जो जेबरा को गधा समझ रहा था, वो जरूर गधा था। कहने का मतलब, हम कभी कभी असत्य को सत्य, भ्रम से असत्य को सत्य मान लेते हैं। हम घर को सत्य मान लिया, हमने परिवार को सत्य मान लिया, अब ये बताइए आत्मा का अनुभव होगा कैसी। अब बैठिए, अब मंदिर में बैठिए, भगवान के सामने जो सत्य की मूर्ति है, जिनको देख करके सत्य नजर आता है, जो स्वयं ही सत्य है, ऐसी मूर्ति के सामने बैठिए जरा। और हम ऐसी मूर्ति के सामने भी बैठ जाते हैं, हम ऐसे संतों के सामने भी बैठ जाते हैं, हम ऐसी भगवान की प्रतिमा के सामने भी बैठ जाते हैं जो बिल्कुल सत्य का दर्शन कराती है। लेकिन फिर भी जैसे ही हम आंख बंद करके भगवान के सामने बैठते हैं, वैसे ही हमारे मन को चारों ओर से असत्य घेर लेता है। वैसे ही परिवार, व्यापार, धन, संसार, मित्र, न जाने क्या क्या हमारे दिमाग में आकर के अटैक करने लगते हैं। समझिए, हम सत्य के स्थान पर खड़े होते हैं, सत्य की मूर्ति हमारे सामने होती है, सत्य ही हमारे सामने होता है, लेकिन फिर भी असत्य हमें चारों ओर से घेर लेता है। कारण ये है, जब तक हम गंदगी निकालते नहीं है, तब तक हम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए पहले गंदगी निकालना चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि सत्य होता है, सत्य दिखता है लेकिन सत्य होता नहीं है। बोले, ऐसा भी होता है? ऐसा कैसे होता है? ऐसा भी हो सकता है, एक महिला लंगड़ा करके चल रही थी। एक महिला जब लंगड़ा करके चल रही थी, तो दो डॉक्टर थे जो हड्डी के विशेषज्ञ थे, चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, उन्होंने वो महिला को पैर को घसीटते हुए चलते देखा, तो दोनों डॉक्टर आपस में चर्चा करने लगे, और दोनों डॉक्टरों ने एक दूसरे से डिस्कस करते हुए ये बात कही कि इसकी दाहिनी टांग टूटी है, दाहिनी टांग टूटने के कारण ये घिसट घिसट के चल रही है। तो दूसरा डॉक्टर बोला, नहीं नहीं, इसकी बाईं टांग टूटी है, बाईं टांग टूटी है, इसलिए ये घसीट घसीट कर चल रही है। दोनों डॉक्टर चाय पीते समय अपने समय को गुजार रहे थे, लेकिन चर्चा ये कर रहे थे कि एक कह रहा था इसकी दाईं टूटी है, एक कह रहा था इसकी बाईं टूटी है, क्योंकि ये घिसट घिसट के चल रही है तो इसलिए इसकी दाईं टूटी है। डॉक्टर ने कहा कि शर्त लगा लो, दाईं नहीं है, बाईं है,
दोनों आपस में बहस करने लगे तो डॉक्टरों ने एक एक हजार रुपए की शर्त लगाई। एक ने कहा दाई टूटी है, एक ने कहा बाई टूटी है। बोले अब पता कैसे करें? बोले ऐसा करते हैं, अपन दोनों महिला के पास चलते हैं, वो महिला ही बताएगी कि दाई टूटी है या बाई टूटी है। हुआ ये, दोनों डॉक्टरों ने यह तय किया और दोनों डॉक्टर उस महिला के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले, बहन जी मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे एक बात बताएंगे। तो महिला ने दोनों की तरफ, अनजान डॉक्टर दोनों की तरफ देखा और पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो हमसे आप जानना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं है तो सिंपल सी बात, हमने दोनों ने शर्त लगाई है कि ये कह रहे हैं कि आपकी दाहिनी टांग में फ्रैक्चर है और मैं कह रहा हूँ आपकी बाईं टांग में फ्रैक्चर है, फिर आप ही बता सकते हैं सही तो कि कौन सी टांग में फ्रैक्चर है जिससे आप लंगड़ा लंगड़ा के घसीट घसीट के चल रहे थे, चप्पल को घसीट घसीट के चल रहे थे, तो आपके कौन से पाँव में तकलीफ है? आप अगर बता देंगे तो हम दोनों ने एक एक हजार रुपये की शर्त रखी है। महिला ने दोनों की तरफ गुस्से भरी नजर से देखा और गुस्से भरी नजर से देख करके ये कहा, इन्ना मेरी दाई टूटी है, इन्ना मेरी बाई टूटी है, न मेरी दाई टूटी है न मेरी बाई टूटी है, तुम दोनों की फूटी है। अब डॉक्टर दोनों बहुत चक्के थे, बोले हमारी क्यों फूटी है? अरे लंगड़ा के तो तुम चल रही थी, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया। बोले ना दाई टूटी है न बाई टूटी है, तुम दोनों की फूटी है, मेरी तो चप्पल टूटी है और चप्पल टूटने के कारण हमें घिसट घिसट के चलना पड़ रहा है, और तुम कह रहे कि टांग टूटी है। तो कभी कभी सत्य जैसा दिखता है लेकिन सत्य होता नहीं है, वैसे ही हम कभी मंदिर में खड़े होते हैं, कभी साधु जैसे बने होते हैं, कभी बहुत सीधे से खड़े होते हैं, फिर भी ये सोचते हैं हम बड़े शालीन हो गए हैं, हम बहुत संत पुरुष हो गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं हम सत्य का अनुभव करें, सत्य अपने जीवन में लाएं। हाँ ये बात सही है कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य, लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, ट्रुथ इज विटर, इट इज नॉट। सत्य कभी कड़वा नहीं होता है, सत्य तो मीठा होता है। अगर सत्य कड़वा होता तो मुझे लगता है भगवान सबसे ज्यादा कड़वे होते। इसलिए सत्य कड़वा नहीं होता है, सारी दुनिया सत्य को प्रेम करती है, सारी दुनिया सत्य को जानती है और सारी दुनिया चाहती है कि परमात्मा का वास हमारे घर में हो, हमारे हृदय में हो। और अगर कड़वा होता तो बताइए सारे लोग उस सत्य को अपने जीवन में क्यों चाहते। इसलिए सत्य कड़वा होता नहीं है, सत्य कड़वा लगता है। जैसे कि नमक की डेली अगर मुंह में दबी है और शक्कर खा रहे हो और फिर कहो कि शक्कर नमकीन होती है, तो शक्कर नमकीन होती नहीं है, शक्कर नमकीन लगती है जब हमारे अंदर नमकीन डली होती है। इसलिए हम सत्य को अपने जीवन में पाने का प्रयास करें, हम संत बन करके राग द्वेष का त्याग करके मोह का त्याग करके उस सत्य का अनुभव करें, जो जैसे हम स्वयं ही स्वरूपवान हैं ऐसा सत्य पा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। जबले उत्तम सत्य धर्म की जय। आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।